हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो आप लोगों ने मोमोज और चटपटा खाने वाले लोगों के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन अनीता की बहू और बेटी जैसी मोमोज की दीवानी तो कहीं नहीं देखी होगी। अनीता की बहू वेनिका को स्टीम मोमोज खाने का बहुत शौक था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी सीमा को फ्राई मोमोज बहुत पसंद थे। लेकिन अनीता को इन दोनों में से किसी का मोमोज खाना पसंद नहीं था, जिसके चलते ननद भाभी पूरे दिन सुनती रहती थी। लेकिन मानो उनकी अकल पर जैसे पत्थर पड़ गए हों, उन्हें किसी की बात समझ नहीं आती और ना ही सुनाई देती। दोनों से परेशान होकर एक दिन अनीता अपने घर के हॉल में सर पकड़कर बैठी हुई थी, तभी उसका बेटा समीर बाहर से आकर बोलता है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों सिर पकड़कर बैठी हो जैसे किसी ने आपका सिर फोड़ दिया हो। अच्छा आजा, पहले तेरा सिर फोड़कर बताती हूँ। माँ आप तो भड़क गए, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो आप। क्या बताऊँ बेटा, पहले एक कम थी क्या मोमोज खाने वाली हमारे घर में, जो दूसरी तू ले आया शादी करके। माँ आप मुझे क्यों बोल रही हैं? अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो भी मेरी बहन की तरह मोमोज की देवी है। पसंद करने तो आप ही गई थी माँ, अब उसके चेहरे पर थोड़ी ना लिखा था कि मैं मोमोज की दीवानी हूँ। देख मुझसे मजाक मत कर तू नालायक, पसंद मैंने किया था, लेकिन घंटों हाँ बेबी बोलकर तो तू ही लगा रहता था ना फोन पर, तब नहीं पूछ सकता था क्या पसंद है तेरी बेबी को, या वो भी मैं ही करती। माँ अब ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, आप भी। देख अब पानी सर से ऊपर हो गया है, अब तू समझा ले अपनी बीवी को, और सीमा को तो मैं देखती हूँ। आज पहले इस मोटी को ही देखता हूँ, उसके बाद बीवी को बताता हूँ। मेरी भोली बीवी को अपने साथ बदनाम करती रहती है। अच्छा बड़ी भोली है तेरी बीवी, अरे तेरे जैसे को न जाने कहाँ बेचा है, और तू उसे भोली बोलता है। कुछ समय बाद सीमा और वेनिका अपने कमरे से नीचे आकर हॉल में बैठकर बातें कर रही होती हैं, तभी अनीता वहाँ आकर बोलती है। हो गई तुम दोनों की पेट पूजा, खा लिए मोमोज तुम दोनों ने, तो अब थोड़ा हाथ भी चला लो बहू, मेरे और मेरे बेटे के लिए भी कुछ बना दे, और तू घर की सफाई कर ले। हाँ मोटी सफाई अच्छे से कर लियो, कहीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। मोटे तेरे ऊपर ज्यादा धूल है क्या, कहे तो मैं सफाई कर दूँ तेरी पहले। मोटी ऐसे ही दिन रात मोमोज खाती रहेगी ना तो एक दिन फट जाएगी मोटी होकर, और मैं तो तेरी शादी देखने बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, अपनी इंसल्ट करवाऊंगा क्या वहाँ पर। मत जा मोटे, अगर तू गया ना तो होनी होगी ना तो भी नहीं होगी। चुप करो, दोनों के दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, जाकर अपना अपना काम करो। अनीता के कहने पर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सीमा अपनी भाभी वेनिका के कमरे में जाकर बोलती है। भाभी शाम हो गई, मार्केट चलोगे क्या। सीमा माँ जी नहीं जाने देंगी, अगर उनको पता चल गया तो बहुत सुनाएंगी। भाभी उनको पता नहीं चलेगा, चलो ना चलते हैं। मेरी फ्रेंड बोल रही थी हमारे घर के कुछ दूरी पर ना एक नया मोमोज वाले की ना शॉप ओपन हुई है, उसके पास हर तरीके के मोमोज है, मेरे तो सोच सोच के मुंह में ना पानी आ रहा है, चलो। अच्छा ठीक है चलते हैं, वैसे भी घर का कुछ सामान लेना है। ओके भाभी। सीमा और वेनिका दोनों ही अपनी सास से पूछकर मार्केट चली जाती हैं और सीधे न्यू मोमोज वाली शॉप पर पहुंचकर अपने अपने पसंद के मोमोज खाना शुरू कर दी हैं। अपनी भाभी वेनिका को स्टीम मोमोज खाते देखकर सीमा अपनी भाभी वेनिका से कहती है। भाभी मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको स्टीम मोमोज खाने में क्या मजा आता है, आखिर ये तो कच्चा मैदा ही है ना, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। सीमा तुम्हें क्या पता कि स्टीम मोमोज में क्या स्वाद है, तुमने कभी खाए थोड़ी ना है, जब खाओगी तभी तो पता चलेगा। रहने दो भाभी, मैं अपने फ्राई मोमोज में बहुत खुश हूँ, कम से कम पता तो चलता है कि खा रहे हैं, एकदम क्रिस्पी है, दिल और मन दोनों खुश कर देते हैं। वो तुम्हें लगता है सीमा, क्योंकि तुम्हें क्रिस्पी और तेल वाली चीजें खाना पसंद है, ये तेल हमारी फिटनेस को कितना खराब करता है तुम्हें क्या पता, लोग फिट रहने के लिए बॉइल्ड फूड खाते हैं, इसलिए तो मैं स्टीम मोमोज खाती हूँ। वाह भाभी वाह, कितनी आसानी से आपने अपनी पसंद को अच्छा और मेरी पसंद को बुरा बता दिया, जबकि सच बात तो ये है कि फ्राई मोमोज खाने से ना फिटनेस खराब नहीं होती इतनी, जितना कि ये कच्चा मैदा यानी कि स्टीम मोमोज खाने से होता है, लोग फिट रहने के लिए बॉइल्ड फूड खाते हैं, मैदा नहीं। चुप करो तुम दोनों मेरे ही मोमोज के स्टॉल पे खड़े होकर मेरे ही मोमोज की बुराई कर रही हो कब से, इतना ही तुम्हारी फिटनेस खराब हो रही है ना, तो मत खाओ,
मोमोज जितने के खाए उतने के पैसे दो, निकलो यहाँ से। भैया जी थोड़ा तमीज में रहकर बात करिए आप, और आप होते कौन है हमसे ऐसे बात करने वाले? इस स्टोर का मालिक, जिसके मोमोज आप बहुत चटकाई लगा के खा भी रही है और ऊपर से पेट भर के उसी मोमोज की बुराई भी कर रही है। देखिए भैया, हम आपस में बात कर रहे थे, और किसी की भी बातों को ऐसे सुनना ना बड़ी गलत बात है। ये लीजिए पैसे और मुंह बंद कीजिए अपना। 1000 रुपए इतने खुले नहीं हमारे पास, हमारे 200 रुपए हुए हैं, कृपया करके आप खुला करवा के हमें 200 रुपए दे दे। 200 रुपए इतना महंगा, पागल हो गए हो क्या? खाते टाइम याद नहीं था कि हम पागल हैं, और मेहनत की कमाई मांग ली तो हम पागल हैं। सुनो भैया, भाभी इसको पैसे दो और निकलो यहाँ से, वरना ये ऐसे ही सबको बुला लेगा। और स्टॉल तो घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, कहीं माँ आ गई और उन्होंने हमें देख लिया ना तो बस गए। एक काम करो, ये एड्रेस लो और हम तुम्हारे यहाँ रोज मोमोज खाने आएंगे, और महीने के आखिरी में तुम इस एड्रेस पर आकर हमसे पैसे ले लेना, अगर हम दोबारा नहीं आए तो। ठीक है, हमें बंधे ग्राहक मिल गए तो हमें और क्या चाहिए। इतना कहकर सीमा और वेनिका घर लौट आती हैं। वो रोज किसी ना किसी बहाने से उसी मोमोज वाले के पास जाकर मोमोज खाना शुरू कर देती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और दोनों में से कोई भी मोमोज का नाम तक नहीं लेता था। ये देखकर अनीता को बहुत अजीब लगता था, लेकिन उसे लगता था कि शायद समय के साथ उन दोनों को अकल आ गई होगी। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं, और किसी वजह से वो दोनों कुछ दिन मोमो स्टोर पर नहीं जा पाती। कुछ दिन इंतजार करने के बाद गुप्ता मोमोज वाला सीमा और वेनिका को ढूंढते हुए उनके घर आ पहुंचता है, और घर के हॉल में बैठे समीर और अनीता से उनके घर का एड्रेस पूछते हुए बोलता है। मैडम जी, ये एड्रेस आपका ही है क्या? जी ये मेरा ही है, आप कौन? मैडम जी, हम गुप्ता मोमोज वाले हैं, यही थोड़ी दूर अपना स्टॉल लगाते हैं। दो मैडम रोज मोमोज खाने के लिए आती है, महीना होने को आया है लेकिन कुछ दिनों से आई नहीं, और वो हमको बोली थी अगर ना आ पाई तो आप घर आके पैसे ले जाना, इसलिए हम आए हैं। कितने पैसे हुए आपके? बस 5000 हो गए मैडम। मोमोज वाले की बात सुनकर अनीता समझ जाती है कि ये उसकी बहू और बेटी का ही काम है, और उस मोमोज वाले को रोककर अनीता अपनी बहू वेनिका और बेटी सीमा को गुस्से में आवाज देकर बुलाती है, और आते ही गुप्ता मोमोज वाला बोलता है। यही दोनों मैडम तो है जो आती है। बहुत शौक है तुम दोनों को मोमोज खाने का, मुझसे चोरी करके जाती हो। आज मैं तुम दोनों में कॉम्पिटिशन करवाती हूँ, मैं भी देखती हूँ तुम में से कौन सबसे ज्यादा मोमोज खा सकता है। आज जब तक मैं न कहूँ रुकना मत, शुरू हो जाओ दोनों। सीमा और वेनिका पहले तो बड़ी खुशी खुशी खाना शुरू करते हैं, लेकिन एक साथ इतने मोमोज खाते खाते उनका मन और पेट दोनों भर जाता है। कुछ समय बाद दोनों का पेट फटने को होता है, लेकिन अनीता उन्हें नहीं रोकती। कुछ समय बाद उनकी हालत बुरी होने लगती है, दोनों अपना पेट पकड़कर अनीता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती हैं। माँ जी, हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी मोमोज का नाम नहीं लेंगे, बस करिए। एक दिन सुलेखा के घर पर पड़ोस की मौसी आती है और बोलती है, और सुलेखा क्या हाल चाल है, तुमने तो सबसे बतियाना ही छोड़ दिया, क्या बात हो गई? का बताएं मौसी, मैं तो राजीव की शादी को लेकर भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। क्या छोरे का ब्याह भी पक्का कर दिया और तूने मुझे बताया भी नहीं, ये अच्छा ना किया तूने। अरे मौसी, अगर रिश्ता पक्का हो जाता तो बात ही क्या थी, अपने गाँव में तो कोई भी लड़की ढंग की है ही नहीं, किसी की शक्ल सूरत नहीं है तो कोई मुंह मांगा दहेज देने को तैयार ही नहीं है। हाँ सही कह रही है तू, भली चंगी छोरियाँ को तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। मेरी नज़र में एक छोरी है लेकिन रंग थोड़ा फीका है, पर छोरी सरकारी नौकरी करे है। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं, सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी घर में तो गाँव में मेरा रुतबा बढ़ेगा, तो आप बात आगे बढ़ाइए। सुलेखा के इतना कहने पर मौसी कुछ दिन बाद में सुलेखा को लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर जाने को कहती है, और उसके अगले दिन ही सुलेखा पति चंदर और बेटे राजीव के साथ लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनका घर देखकर राजीव बोलता है, माँ इनका घर तो हमसे भी बड़ा है। सही कह रहा है बेटा, सरकारी नौकरी वालों के तो ठाट ही अलग होते हैं। अरे बस भी करो भगवान, हम यहाँ बहू लेने आए हैं, घर नहीं, चलो आगे भी बढ़ो।
वो तीनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद लड़की की माँ ललिता आती है और बोलती है, आप लोगों का स्वागत है, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपका इतना बड़ा घर है, किसी अंधे को भी दिख जाएगा। इसके कहने का मतलब है बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। तभी अंजना भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद सब लोग नाश्ता करते हैं। अंजना को साड़ी, चश्मे और चुटिया बनाए देखकर राजीव का मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ इस लड़की को देखने आए हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं दिखती। अरे बेवकूफ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वो सरकारी नौकरी करती है, एक बार घर में आ जाएगी ना तो हमारी मौज ही मौज होगी। अगर तू नहीं भी कमाएगा ना तो हम बैठकर आराम से खा सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव चुप हो जाता है, जिसके बाद ललिता बोलती है, जी देखिए, मैंने अंजना को अकेले पाला है और ये अपनी मेहनत पर ही आज अपने पैरों पर खड़ी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी अच्छे घर में धूमधाम से हो। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी राज, और रही बात शादी की तो वो तो पूरे गाजे बाजे के साथ होगी, देख लेना आप। उसके बाद राजीव और अंजना भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अगले दिन ही अंजना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए गांव की औरतें सुलेखा के घर आती हैं, जिसमें से एक औरत अंजना को देखकर बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए काकी, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, क्या देखकर छोरे का ब्याह कर दिया तुमने? अरे जे भी पूछने की बात है, सारा गांव जानता है, काकी ने तो बस सरकारी नौकरी की बात सुनते ही हाँ कर दी। ये सब सुनकर अंजना को बहुत बुरा लगता है, तभी सुलेखा उनका मुंह बंद करवाने के लिए बोलती है, क्यों री, जब देखो तब तुम दोनों चपड़ चपड़ करती रहती हो, अरे यहाँ काम करने आई हो, फालतू की पंचायत ना जमाओ यहाँ पे। सुलेखा के इतना कहते ही सब चुपचाप रस्म को अदा करके वहाँ से चले जाते हैं, मगर अंजना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद रात को उसकी सास उसे आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी बोलिए मम्मी। मम्मी, अरे तेरी माँ तुझे संस्कार देना भूल गई थी क्या? इतना भी नहीं पता क्या, सास को जी कहकर बुलाते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मम्मी जी, आपको कुछ काम था मुझसे? और क्या, अब तुझे यहाँ बतियाने के लिए तो बुलाऊंगी नहीं, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, जाके साफ कर दे। अंजना बिना कुछ बोले किचन में बर्तन साफ करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अंजना ऑफिस के साथ साथ घर का भी सारा काम संभाल लेती है। एक दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो राजीव खाना खाकर बोलता है, किसने बनाया है ऐसा वाहियात खाना, खाने में भला कोई इतनी मिर्ची डालता है क्या? अरे ओ नासपीटी, अब तू खाना बनाना भी नहीं जानती क्या? सुबह सुबह मेरे बच्चे का मुंह जला दिया। मम्मी जी गलती से हो गया। तुम तो रहने ही दो, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती तुम। ये सुनकर अंजना को बहुत दुख होता है और ऐसे ही एक दिन जब अंजना ऑफिस जा रही होती है तो उसकी सास उसे बोलती है, बहू जरा 5,000 रुपए तो देना। अंजना उसे बिना कुछ बोले ही पैसे दे देती है और ऐसे ही अगले दिन सुलेखा फिर से उसे कुछ पैसे मांगती है तो अंजना बोलती है, मम्मी जी कल ही तो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे, आज फिर आपको पैसे चाहिए, कोई जरूरी काम है क्या? अरे लिए थे तो क्या हुआ, कहीं लेकर भाग तो नहीं जाऊंगी ना, और तू इतना कमाती है, अगर थोड़ा बहुत मुझे दे भी देगी तो क्या घट जाएगा तेरा? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। अंजना बोल ही रही होती है कि तभी राजीव भी वहाँ आ जाता है और बिना कुछ जाने अंजना से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को मना करने की? राजीव जी अब गलत समझ रहे हैं। राजीव अंजना की बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन राजीव और सुलेखा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे जब से बहू आई है तब से तो मेरी मौज ही मौज हो गई है, मैं तो कहती हूँ कि तू भी नौकरी छोड़ दे, क्या जरूरत है तुझे कमाने की? हाँ मैं भी यही सोच रहा था, जब वो महारानी अच्छा खासा कमा ही रही है तो मैं क्यों फालतू में घिसूं? उनकी ये बात वहाँ खड़ी अंजना सुन लेती है
और खुद से बोलती है। ये इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं भी चुप नहीं रहने वाली। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सरकारी नौकरी करने वाली से शादी करने से क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही अब अंजना घर का कोई काम नहीं करती, जिसके लिए राजीव उसे बोलता है। तुम्हें हो क्या गया है अंजना? तुम्हारे होते हुए माँ घर के काम कर रही है, क्यों? क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने घर का काम करने के लिए तो नहीं की। और वैसे भी मम्मी जी सारा दिन तो निठल्ली ही बैठी रहती हैं, थोड़ा काम कर लेंगी तो क्या दिक्कत है इसमें। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? अब जो खुद कोई काम नहीं करता वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे बात करूं और कैसे नहीं। अरे मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही जो तुम्हारी हर बात मानूं। अंजना का ऐसा रूप देखकर राजीव कुछ नहीं बोल पाता और ऐसे ही सुलेखा को सारे घर का काम करना पड़ता। अब राजीव भी अंजना के इस बर्ताव से दुखी हो गया था। ऐसे ही एक दिन राजीव अपनी माँ से बोलता है। माँ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हमें अंजना के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। सही कह रहा है तू, मुझे भी लगता है कि हमने बहू के साथ अच्छा नहीं किया। वो नौकरी करने के साथ साथ घर का काम भी करती थी, पर कभी भी उफ तक नहीं किया उसने, और हमने उसका और उसके पैसे का बहुत फायदा उठाया है। आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था। जिसके बाद दोनों अंजना से माफी मांगते हैं और अंजना भी उन्हें माफ कर देती है, और सुलेखा भी अब अंजना के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करती। साथ ही साथ राजीव भी उससे इज्जत और प्यार से पेश आता। इसी तरह वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। गीता अपने परिवार के साथ बैठकर अपने बेटे नमन की शादी की बात कर रही होती है, तभी ये सुनकर उसकी बेटी निशा बोलती है। माँ, इस घर में भाभी आएगी तो मेरी पसंद की, और देख लो भैया, अगर आपने मेरी पसंद से शादी नहीं की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे अरे, शादी है कोई ड्रेस नहीं, जो तुझे तेरी ही पसंद चाहिए। अरे मुझे भी हक दे दे अपनी शादी के लिए लड़की पसंद करने का। नहीं भैया, अगर आप मेरी पसंद की भाभी नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। अरे पागल, ऐसी बातें मत किया कर, हम सब तेरी ही पसंद की बहू लाएंगे। अब खुश है ना? हाँ, अब मैंने इसे जिद्दी बना ही दिया है तो चलने दो इसकी, मुझे क्या है, किसी से भी शादी करा दो। आखिर मेरा एक लौता भाई है और वैसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी है। इतना बोलकर निशा अगले दिन से ही अपनी भाई की शादी के लिए लड़कियां देखने लगती है। उसकी माँ उसे 15-20 लड़कियों की फोटो दिखाती है, जिसमें से वो एक माधुरी नाम की लड़की की फोटो को देखकर बोलती है। माँ ये देखो, ये लड़की सही है, शक्ल से भी भोली भाली लग रही है, यही सही रहेगी भैया के लिए। अच्छा ठीक है, शाम को नमन को आ जाने दो, उसकी भी राय ले लेंगे, फिर अगर उसको पसंद होगी तो ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मैंने पसंद कर ली तो बस फाइनल, अब आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। निशा की जिद के कारण नमन से बिना पूछे ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। कुछ समय में नमन की शादी माधुरी से करवा दी जाती है, और ससुराल में अपनी भाभी का स्वागत करते हुए निशा बोलती है। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है, आपको पता है आप मेरी पसंद हो इसलिए आज इस घर में हो। माधुरी का गृह प्रवेश होने के बाद वो नमन के साथ में अपने कमरे में आराम करने जाती है, जिसके पीछे से निशा 3 ग्लास में जूस डालकर ले जा रही होती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ये जूस कहाँ ले जा रही है? भाई, भाभी और अपने लिए। पर शादी की पहली रात दूध देते हैं, जूस नहीं। मुझे जूस पसंद है इसलिए जूस ही पियेंगे। इतना बोलकर निशा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उनके पास बैठकर बोलती है, भाभी ये लो जूस पियो और बताओ आपको खाने में क्या क्या पसंद है। निशु यार, ये सब ना सुबह पूछियो, अभी आराम करने दे। निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नई बहू सबके उठने से पहले चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके कुछ देर बाद में जब सब नाश्ते के लिए आते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह का खाना देखकर तारीफ करते हैं। इतने में ही निशा चिढ़कर बोलती है, भाभी ये क्या बनाया है, इसमें कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है, मुझे नहीं खाना कुछ भी। दीदी माफ करना, मुझे अभी किसी के पसंद के बारे में पता नहीं था इसीलिए मैंने ये सब बना दिया। तो पूछ लेती ना, मुझे मेरी पसंद का ही खाना खाना पसंद है। निशा गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। ये देखकर माधुरी उदास हो जाती है।
तभी नमन बोलता है, अरे माधुरी तुम उदास मत हो, उसका गुस्सा बस कुछ देर का है, बाद में अपने आप शांत होकर यही खाना खाएगी। निशा अपनी पसंद की भाभी लाने पर भी उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लग रहा था घर में सब अब भाभी की पसंद से ही चलेंगे। ऐसे ही एक दिन तीनों सास बहू ननद शॉपिंग पर जाते हैं, जहां एक शॉप पर रखी ड्रेस देखकर निशा बोलती है, माँ ये देखो ये ड्रेस भाभी पर अच्छी लगेगी ना? क्यों भाभी? हाँ दीदी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती, आप इसे अपने लिए ले लो। अरे तो क्या हुआ, अब पहन लेना, वैसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी होती है इसलिए बोल रही हूँ। नहीं दीदी मुझे नहीं चाहिए। माधुरी की ये बात सुनकर निशा गुस्से में कहती है, आपको ना ये ड्रेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में मेरी पसंद को कोई नापसंद नहीं करता, और तो और आप भी मेरी ही पसंद हो, इसलिए इतने ड्रामे करोगी तो भाई को बोलकर आपको वापस आपके घर छुड़वा दूंगी। दीदी मैं आपके घर शादी करके आई हूँ, फिर चाहे मैं आपकी पसंद हूँ या आपके भाई की, वो तो इस घर की बहू और वही रहूँगी। बहू निशा की बातों को दिल पर मत ले, वो अभी बच्ची है, मजाक में बोल रही है। तीनों घर आती है, जहाँ सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम होने पर नमन अपने प्रमोशन की खुशी में सबके लिए तोहफे लेकर आता है। तोहफे देखकर निशा बहुत खुश होती है, लेकिन उसको वो तोहफा पसंद नहीं आता जो नमन उसके लिए लाया था, बल्कि उसे भाभी वाला तोहफा बहुत पसंद आता है, जिस पर वो उससे बोलती है, भाई मुझे ये पसंद नहीं बल्कि भाभी वाला गिफ्ट पसंद है, प्लीज भाभी से कहकर मुझे वो दिलवा दो। अरे तेरी भाभी है अपने आप मांग ले। मैं क्यों दूँ अपना गिफ्ट, मुझे भी यही पसंद है। हाँ अब तो आप जानकर बोलोगी, सुबह तो मेरी पसंद आपको पसंद नहीं आ रही थी। तो ये आपकी पसंद नहीं है दीदी, ये मेरे पति की पसंद है। माधुरी की ये बात सुनकर निशा आग बबूला होकर बोलती है, भाई देख ले भाभी को हर बात पर मुझे ताने मारने की आदत हो गई है, और मेरी पसंद को नापसंद करके अपनी मर्जी चलाती रहती है। मुझे नहीं पता तेरी पसंद है ये, तू खुद ही निपट। हाँ भाई माफ कर दे, मान गई मेरी पसंद भी कभी खराब निकल सकती है, पर प्लीज मुझे ये भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तू इनको वापस इनके घर छोड़ा। निशा शादी कोई खेल नहीं होती, और हर बार जो तू कहे वो नहीं होगा, हर जगह तेरी मर्जी नहीं चलेगी। हाँ दीदी अब इस घर में घर की बहू की मर्जी चलेगी। माँ देखो ना भाई क्या बोल रहा है। अरे अब मैं क्या ही बोलूं? वो सही कह रहा है, वैसे भी तूने भाभी तो अपनी पसंद की चाही थी ना, अब तू खुद ही परेशान है उससे, तो हम क्या करें इसमें? अब इसका मतलब ये है कि मुझे पूरी जिंदगी अपनी इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। गलती की सजा नहीं पसंद की सजा, तू हर जगह अपनी अपनी चलाती है, इसीलिए तेरे कारण मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए बोलती है, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी मर्जी चलाकर तेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दी, जो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी भी अपनी पसंद किसी पर नहीं थोपूंगी। एग्जैक्टली यही समझाना चाहते थे हम सब आपको। हम सब से आपका क्या मतलब है? निशा दीदी मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा ड्रामा और बहस तो सिर्फ इसीलिए था ताकि आपको समझ आ जाए कि हमेशा अपनी पसंद दूसरों पे थोपना बहुत गलत है, एक बार उनकी मर्जी भी जान लेनी चाहिए। हाँ जैसे तूने मेरी शादी जैसा फैसला मुझसे बिना पूछे लिया, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जिंदगी भर मुझे उस लड़की के साथ रहना पड़ेगा, वो मेरे लिए ठीक होगी भी या नहीं। हाँ वो तो शुक्र है भगवान का कि माधुरी जैसी सुलझी हुई लड़की आई इस घर में, जिसने तेरी अपनी अपनी चलाने वाली आदत को सुधारने के लिए ये प्लान बनाया। ये सब एक प्लान था, मतलब भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ दीदी मुझे बस आपको ये एहसास दिलाना था कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमारी पसंद ही सामने वाले के लिए बेहतर हो। हाँ भाभी मैं समझ गई, मैं जिंदगी में अब अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा अब ये लो, ये गिफ्ट आपके लिए ही था, क्योंकि आपकी पसंद और नापसंद आपके भैया बहुत अच्छे से जानते हैं। माधुरी की समझदारी से निशा की हर जगह पर अपनी चलाने की आदत छूट जाती है, जिसके बाद से वो कभी अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।